हाय, दिस इज जय। गाइस, मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें निकल के आई थी सामने, ठीक है ना। मैं लास्ट वीडियो बनाई थी तो उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मैंने एक चीज बताई थी, डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा। तो काफी लोगों को मैनेजमेंट कोटा को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे एग्जैक्टली व्हाट इज द मैनेजमेंट कोटा, राइट। तो इन दिस वीडियो आई कैन एक्सप्लेन ऑल अबाउट मैनेजमेंट कोटा। जो भी आपकी क्यूरीज है रिलेटेड टू मैनेजमेंट कोटा, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जो भी आपके रेलिवेंट डाउट रहे होंगे। तो सबसे पहले यार, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, उसके लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। इट इज क्या ये काइंड ऑफ स्कैम है, क्या स्कैम है, तो मैं यार सब बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहली बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट कोटा एंड डायरेक्ट एडमिशन, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं यूपीएस डबल एग्जाम का, ठीक है। मान लीजिए कि यूपीएस डबल एग्जाम कंडक्ट होता है, तो आप सभी को पता है कि जो यूपीएस डबल एग्जाम है उसमें 75-80% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं ओनली यूपीएस डबल कैंडिडेट के लिए। मतलब जिन्होंने यूपीएस डबल एग्जाम दिया है और जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, बस वही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होती हैं उनमें 20-25% सीट्स पहले से रिजर्व होती हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने यूपीएस डबल दिया है कि नहीं दिया है, वो डायरेक्ट एलिजिबल आप हो सकते हैं बिना उसके भी। तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट कोटा सीट्स, ठीक है, जो रिजर्व सीट्स होती हैं पहले से, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सीट्स 100% एंट्रेंस बेस ही होता है, उसमें किसी तरह का कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। अगर कोई आपको कह रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में वो आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन दिला देगा, इट्स अ क्लियर स्कैम, ठीक है, एक स्कैम है। आप इसमें जाओगे, फंस जाओगे और अच्छा खासा अपना जो है अमाउंट डोनेशन के रूप में उसको दे दोगे। चले कुछ और आगे पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यार सबसे पहले क्या है कि मान के चले कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें जो अगर हम फर्ज करें यूपीएस डबल ई मतलब यूपी टू के अंदर, ए के टू के अंदर, तो यार 750+ कॉलेज हैं। तो यार बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी 20% सीट्स ही भरती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा या काउंसलिंग मिला के भी उनकी 80% सीट्स तो ऐसे ही वैकेंट रह जाती है। तो यार वो तो ऐसे ही अपना एडवर्टीजमेंट करते फिरते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिरते हैं कि आप इसमें एडमिशन ले लो, 90% है प्लेसमेंट फलाना ढिंगा। तो यार वहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वरी नहीं करना है, आपको एक अपना थॉट प्रोसेस पूरा आपका क्लियर होना चाहिए कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कितने बच्चे ने एडमिशन लिया है, क्या कट ऑफ जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे ही ब्लाइंडली किसी भी कॉलेज को विजिट ना मत करिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी कि बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए वहाँ पर आ जाएंगी कि हाँ कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ये रिकॉर्ड है, यहाँ बच्चे प्लेस हो गए थे, बट एग्जैक्टली में उसका कुछ और ही रूप हो रहा होता है, ठीक है। एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि स्टैंड कहाँ करता है, क्योंकि कॉलेज तो हमेशा ट्रुथ ही बोलेगा। आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट को ओपन कीजिए, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म वगैरह फ्लांडिंग का सब बता देंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहना है, आई होप थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। अब यार बात करते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेज, जितने भी टॉप इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, वो भी उनके पास भी 22-25% सीट्स जो है पहले से रिजर्व है मैनेजमेंट कोटा के लिए। तो उसमें ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते होंगे क्योंकि यार वो टॉप हैं, रेपुटेटेड हैं, तो क्या करें। तो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते हैं, वो 8-10 लाख रुपीज़ डोनेशन लेते हैं। अब वो ऐसे डोनेशन नहीं लेंगे कि आप कॉलेज में जाओगे तो आप सिर्फ सीधा बोल देंगे, नहीं, आपको 10-20 लाख रुपीज़ डोनेशन देना होगा। देर इज सेटअप, ठीक है, बहुत सारी सेटअप्स होती हैं यार। आप किसी के थ्रू जा रहे हो तो पहले तो वो आपको कॉलेज में मना कर देंगे कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हो, आप कोई सीट्स वैकेंट वगैरह नहीं है। लेकिन फिर आपको ऐसे ऐसे कॉल आता है कि हाँ आपको हो जाएगा एडमिशन, तो आपको इतना इतना रुपये देना है, 10-8 लाख रुपीज़ देना है और आपका एडमिशन डन, ठीक है। तो इनमें मोस्ट प्रॉबली जो CSE, IT, जो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, जो टॉप कॉलेज के, मैं किसी कॉलेज का यहाँ नाम मेंशन नहीं करना चाहता, ठीक है, तो वो ऐसा लेते हैं। आप पता ही चल गया होगा कि आपको टॉप कॉलेज कौन कौन से होंगे प्राइवेट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको बहुत क्लियर रखना होगा। और थोड़े और चीज़ों की बात करें, स्कैम कहाँ पे आता है, लोग कहाँ पे ठगे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। यार ठगे आप वहाँ जाते हो कि आपने, ठीक है, 10-8 लाख रुपीज़ डोनेशन दे दिया, फिर क्या होगा, आपने CSE मान के चले CSE के लिए एडमिशन के लिए डोनेशन दिया है, पर बाद में क्या होगा, किसी ने आपसे ज़्यादा डोनेशन दे दिया, ठीक है। तो यार सीटें कन्फर्म नहीं होती हैं वहाँ पर, और UPSW कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपको CSE की जगह EC या IT दे देंगे,
तब आप क्या करेंगे, आप उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आपने डोनेशन के लिए अप्लाई किया। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो रेपुटेटेड हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, पर कुछ ऐसा करते भी हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने भी आए हैं जिसमें आपको दबाव दिया जाता है कि आप जो अपने फर्स्ट चॉइस जो आपकी CSE या IT है उसको रिप्लेस करके या तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए। तो यार बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो सामने आती है, तो आपको क्लियर कट ध्यान क्या रखना है, आपको क्लियर कट ध्यान ये रखना है कि जो आपने जिसके लिए भी आप कॉलेज चुन रहे हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले रहा हो और वो डोनेशन ना ले रहा हो। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं पर एक रुपये का डोनेशन नहीं लेते और वो अच्छे कॉलेज भी माने जाते हैं क्योंकि काफ़ी क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए कि UPSEE में बच्चे ही कितने हैं, UPSEE बच्चे बहुत सारे बच्चे 1 लाख के करीब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें जो क्वालिफाई होते होंगे तो क्या वो सब एडमिशन लेते हैं? नहीं, वो अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की सीट्स ऐसे ही वैकेंट रहती हैं तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता डायरेक्ट एडमिशन के अलावा, उनको लेना ही होता है हर हाल में डायरेक्ट एडमिशन। और जो 80% सीट्स के अलावा भी जो सीट्स बच जाती हैं जिसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं वो भी बाद में वो अलाउ कर देते हैं कि आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले लो, तो वो पहले से ही बहुत सारे बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन लेके ही रखते हैं। तो इसमें बहुत केयरफुल आपको रहना है, आपको चीज़ें अच्छे से पता करनी है कि किसमें यूज़फुल रहेगा कि नहीं रहेगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो गाइस ये वीडियो बिल्कुल लेंथी करने का मेरा मोटिव नहीं था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि इसके बारे में आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आई होप सो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्दर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, डायरेक्ट कुछ भी आपको कहना हो या कोई आप ऐसा फंसने जा रहे हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गाइज मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आपको दिख रहा होगा साइड में, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं रेगुलर वहां पे कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ, आप मुझसे वहां पे अपनी सारी जो डाउट्स है वो लिख के बता सकते हो, मैं उसका क्लियर सोल्यूशन दूंगा। प्लस टेलीग्राम चैनल पर प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी वीडियो सारी चीज़ें अपलोड है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हो गए, अनदर थिंग जो भी आपको इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो भी आपको लगेगा UPSEE वाली प्रिपरेशन के लिए, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डाल रखी हैं लास्ट 15 to 20 ईयर्स की। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको के लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर आपको लगा है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो यार थम्स अप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू गाइस।